गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 8 की साइंस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक होता क्या है? ये एक तरह का क्या होता है? ये सिंथेटिक फाइबर एक तरह का आर्टिफिशियल फाइबर होता है। ये सिंथेटिक फाइबर मतलब आर्टिफिशियल फाइबर जो कि पॉलीमर से बनता है बाई द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसको हम लोग जनरली मैन मेड फाइबर भी कह देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? मैन मेड फाइबर भी कह देते हैं। ब्रश, यस, इसको हम लोग मैन मेड फाइबर भी कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या? मैन मेड फाइबर। इसको क्या क्या हम लोग बोल देते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं, मैन मेड फाइबर बोलते हैं। ये क्या हो गया? आदमी के द्वारा बनाया गया ये फाइबर होता है कि कहलाया सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे? पॉलीमर से। पॉलीमर कहाँ से आया? मोनोमर से। मोनोमर जो कंबाइंड होता है वो पॉलीमर बना लेता है। मोनोमर बहुत ज़्यादा मोनोमर जब कंबाइंड हो जाता है तो वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है और इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे मोनोमर लार्ज अमाउंट में ऐड हो करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है और इसी फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जिस तरह से देखिएगा, एक मजदूर होता है, एक एक ईंटा को जोड़ करके पूरा बिल्डिंग तैयार करता है। यानी ईंटा का क्या होता है? वो चेन बनाता है। ईंटा को जोड़ जोड़ करके वो क्या बनाता है? उसका चेन बनाता है। यानी एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, एक ईंटा रहा मोनोमर तो बहुत सारा ईंटा रहा पॉलीमर, ये इसका ग्रुप हो गया। ये एक तरह से ये चेन का फॉर्मेशन किया, पूरा बिल्डिंग का फॉर्मेशन कर दिया है एक ईंटा से। ठीक है, एक ईंटा से बोल रहे हैं, बहुत सारे ईंटा को जोड़ करके, बहुत सारे ईंटा को जब जोड़ते चला जाए सीमेंट के साथ, वो एक तरह का क्या? ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, बिल्डिंग का फॉर्मेशन करता है। उसी तरह बहुत सारा मोनोमर को कंबाइंड कर दिया जाए तो वो क्या बनाएगा? पॉलीमर बनाएगा, पॉलीमर का फॉर्मेशन कर देगा। बहुत सारा मोनोमर को एक साथ जब हम लोग कंबाइंड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंथेटिक फाइबर होता है कितने तरह का। सिंथेटिक फाइबर होता है, रेयान होता है, नायलॉन होता है और दो भी तरह का होता है। देख सकते हैं जिस तरह से पॉलीमर ऑकरिंग इन नेचर। पॉलीमर क्या होता है? नेचर में फॉर्मेट होता है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया, चलिए अब अच्छा लग रहा है। चलिए, जिस तरह से हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में हमारा एमिनो एसिड का चेन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो कि एमिनो एसिड का चेन होता है। उसी तरह से सेलुलोज एक तरह, कहने का मतलब हो गया कॉटन फाइबर, इसमें भी क्या हो गया? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का चेन हो गया। ये क्या हुआ? नेचुरली हुआ, ये नेचुरल फाइबर हो गया। कॉटन फाइबर नेचुरल फाइबर हो गया, इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का चेन हुआ। और इसी को आर्टिफिशियली साइंटिस्ट लोग देखें, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चेन का फॉर्मेशन कर लेता है तो हम लोग क्यों ना एक अपना ही मोनोमर का चेन बना करके पॉलीमर बना दिया जाए, पॉलीमर बना दिया जाए। ये हो गया क्या? अब आर्टिफिशियली जिस तरह से बनाया गया रेयान को बना दिया गया, रेयान क्या होगी? ये आर्टिफिशियल सिल्क हो गया। आर्टिफिशियल ये क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, ये आर्टिफिशियल सिल्क हो गया रेयान। ये क्या हो गया? केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेंड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेस। इसमें वुड पल्प से मैन मेड फाइबर तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है? इसको फिर बाद में कॉटन से मिक्स भी किया जाता है और इससे बहुत सारे पहनने के कपड़े वगैरह बन जाते हैं। जैसे रेयान फाइबर वाइडली सेमी सिंथेटिक फाइबर डिराइव फ्रॉम सेलुलोज आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वैरायटी। जैसे विस्कोज में
रहता है, डिविस्कोस वैरायटी का रहता है, क्यूप्रो रहता है, एसीटेट रेयान होता है। रेयान इज शाइनी एंड लस्चरस एंड कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या होता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयान कैन एब्जॉर्ब स्वीट एंड देयरफॉर प्रीफर्ड ओवर क्लॉथेस मेड ओवर द सिंथेटिक फाइबर। या सिंथेटिक फाइबर से इसीलिए क्लॉथ बना दिए क्योंकि हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, वो भी हमारा स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी को कूल प्रोवाइड करता है कॉटन क्लॉथ। और इसी को अगर आर्टिफिशियली रेयान बना दिया गया, यहाँ पर इसी को रेयान बना दिया गया, तो ये भी एब्जॉर्ब किया ही स्वीट को, ये भी एब्जॉर्ब कर करके बना लिया, ये भी एब्जॉर्ब करके कर करके एब्जॉर्ब किया, इसीलिए बॉडी को कूल बनाया। तो इसलिए हम लोग इसका भी उपयोग करने लगे या फिर इसका भी इस्तेमाल करने लगे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क के फॉर्मेशन में। इसी से हमारा शर्ट बन जाता है, टाई बन जाता है और भी सभी सब्सटेंस बन जाते हैं। अब आते हैं नायलॉन का। नायलॉन का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था, नायलॉन का फॉर्मेशन जाना है गूगल पे, लिखना है फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन का जो ये खोज हुआ था, मतलब इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंशन ऑफ नायलॉन इन विच कंट्री, आपको टाइप करना है गूगल पे, क्या आएगा वो आप लोगों को देख करके बताना है। सबसे पहले नायलॉन को 1931 में बनाया गया, इट वाज फर्स्ट मेड बाय नायलॉन इन 1931 में नायलॉन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे कोल, वाटर और एयर से, जिससे वाज एक्चुअली टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर विदाउट यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्स। ये टोटली क्या हुआ, टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर हो गया नायलॉन। नायलॉन क्या कहलाए, टोटली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर, इसमें ना तो प्लांट यूज हुआ, ना तो एनिमल का कुछ यूज हुआ फाइबर, ये टोटली सिंथेटिक फाइबर कहला दिया गया। ये क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन का रिक्वायर्ड होता है, क्रिएट नायलॉन कैरिड ऑन द डिजाइन मशीन एट वेरी हाई टेम्परेचर, जिस तरह से हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, मॉल्टन सेमी लिक्विड, ये जब लिक्विड फॉर्म में आ जाता है फिर उसको स्प्रिंग करके विच स्प्रेड नायलॉन इनटू वेरी थिन स्ट्रैंड्स और फाइबर, थिन फाइबर में बना दिया जाता है, फिर उसको वाइंड कर करके या फिर स्पिनिंग कर करके उसको क्या वराइटीज ऑफ क्लॉथेज में बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होने के बाद ये क्या होता है, ये मजबूत होता है। सबसे पहला तो नायलॉन क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है और इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, लस्चरस होता है, ईजी टू वॉश होता है, इट इज़ यूज टू मेक क्लॉथेस, शॉक्स, रोप्स, टेंट्स, ये सब बनाने में इसका काम आता है। जैसे स्ट्रेचेबल होता है, जैसे इलास्टिक होता है, लश्रश होता है और इजी टू वॉश, इसको वॉश आसानी से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये मेन बात, ये स्ट्रांग रहता है, ये स्ट्रांग रहता है, मेन स्ट्रांग रहता है, इसीलिए लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करने लगे हैं। जैसे कि देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द नायलॉन प्रोडक्शन वाज डाइवर्टेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पैराशूट एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार टू के टाइम में पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का ही यूज़ किया गया था, आफ्टर द वार प्रोडक्शन ऑफ स्टॉकिंग वाज रिज्यूम बट द डिमांड एंड शो यूज बट देयर वर नायलॉन राइट्स। नायलॉन के लिए उस टाइम क्या हो गया था, मारामारी हो गया था नायलॉन के लिए, क्योंकि पैराशूट शूट चाहिए था सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम में, पैराशूट से भी लोग इधर उधर आना जाना किए, जैसे कि हवाई जहाज़ से नीचे उतरना है एरोप्लेन से, तो पैराशूट का भी इस्तेमाल ये लोग किए अच्छा से। चलिए अब पढ़ते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है, ये व्रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इसमें व्रिंकल नहीं पड़ता है और स्ट्रांग होता है, ये भी लाइट वेट होता है, ये भी इलास्टिक होता है। जिस तरह से पॉलिस्टर बहुत सारे टाइप का होता है, जैसे टेरिकॉट, टेरीवोल, टेरी सिल्क पॉलिस्टर, ये वैरायटी होता है।
जैसे इतना वैरायटी का हो गया, पॉलिस्टर किस चीज़ से सिंथेसाइज किया गया, डेट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सिंथेसाइज किया गया, पीईटी बोतल यूज़ होता है, पॉली इथाइलिन टेट्राफिलेट ये बोतल का यूज़ होता है, ये पीईटी एक तरह का ये क्या है कंपाउंड है, इसी से बनता है पॉलिस्टर यूटेंसिल्स। जैसे कि आजकल देखते हैं प्लास्टिक का जार आने लगा है, उसको बोलते हैं पीईटी जार, जिसमें रखते हैं हम लोग क्या वाटर, ये हो गया पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जनरली ये भी क्या है नेचुरल फाइबर का भी मिक्स होता है, पॉलिस्टर में क्या होता है नेचुरल फाइबर भी मिक्स होता है। और इसका क्या क्या सब्सटेंस बनने में, जैसे टेरिकॉट, उसमें अगर टेरिलीन को कॉटन के साथ मिला दिया गया तो क्या बन गया, टेरिकॉट बन गया। इससे टेरिकॉट्स में बहुत सारे ड्रेस बन जाते हैं। टेरी वूल, टेरिलीन को वूल के साथ मिला दिया गया, टेरी वूल बन गया। टेरी सिल्क, टेरिलीन को सिल्क के साथ मिला दिया गया, टेरी सिल्क बन गया। अब आते हैं पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ये सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स हो गए। इसका पॉलिस्टर का भी यूज़ होता है, देखते हैं कुछ कुछ कपड़ा पॉलिस्टर में, पॉलिस्टर्स में यूज़ होता है। अब आ जाते हैं एक्रेलिक, एक्रेलिक जैसे कि स्वेटर हो गया, सॉक्स वगैरह हो गया, ये सब क्या हो गया एक्रेलिक हो गया, एक्रेलिक फाइबर। ये क्या हो गया, नेचुरल वूल, वूल इज डिजॉल्व सूटेबल सॉफ्टनेस एंड सॉल्यूशन इज सपोज्ड टू बी स्पिनर्स टू फॉर्म द फाइन फिलामेंट्स व्हिच आर स्पन इनटू यार्न। इसमें क्या हो गया, वूल को इसको थोड़ा सा सिंथेसाइज किया जाता है और इसी से यार्न में बदल करके, यार्न से फिर यार्न मतलब उसका एक तरह से वूल तैयार हो गई है, उसी से फिर उसके बाद स्वेटर को मशीन से बिना स्टार्ट कर दिया जाता है। ये एक्रेलिक फाइबर क्या रखता है, बॉडी को वार्म रखता है और ये क्या होता है सॉफ्ट रहता है, लाइट यानी हल्का होता है, ये फ्लेक्सिबल मतलब इधर उधर घूम फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब फटे वगैरह फटेगा नहीं ज़्यादा, फ्लेक्सिबल यानी ईजली फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया ओरियन एर एक्रिलन, ये भी कह लिया जाता है इसको ओरलॉन या फिर एक्रिलॉन कह दिया जाता है। इसका क्या क्या चीज़ पब्चेस बन जाता है, जैसे स्वेटर बन जाता है, शॉल्स बन जाता है, सॉक्स बन जाता है, ये सब हो गया एक्रेलिक। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज बहुत ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ लेंगे आप।